ये दिल का बड़प्पन का बात तू मेरे को मत बोल। दिल तो मेरा भी बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे पास पैसे हैं। अरे देवा, ये तेरा बात सुन के मेरे को पेट में आग लगा रहे। ला रे बोतल मेरे को दे। अरे अकेला पिएगा मर जाएगा, चल बोतल दे। अरे बाबू भैया, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या? जानते हो मैंने शराब किसके पैसे से खरीदी? किसके? दुनिया के सबसे बड़े कमीने के पैसे से, इस कमीने के पैसे से। बाबू भैया, ये कमीना हमें कभी भी धोखा दे सकता है। जिस बाप की कोख से जन्म लिया उसी को धोखा दे रहा है ये कमीना। राजू, ये सच्चा है क्या? ए राजू, जाता कहाँ? बताता क्यों नहीं? जो कुछ मैंने देखा बताता क्यों नहीं? अरे बता ना, मुझे तो अभी भी शक है बाबू भैया, वो औरत कहीं इसकी नकली माँ तो नहीं? इसके आगे एक शब्द मत बोलना, वो औरत मेरी असली माँ है। अब पिछले 1.5 साल से मैं उसे धोखा दे रहा हूँ और उसी धोखे की वजह से आज वो बहुत खुश है। वो समझती है कि उसका बेटा कलकत्ते की बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा है, लाखों कमा रहा है, उसके लिए एक शानदार घर बनाएगा। वो सब बकवास है। राजू, ऐसा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अरे करता भी क्या, उसे ये कह देता कि उसका बेटा बेकार है, छोटी मोटी नौकरी करता है, ये बोलूं उसको मैं? मुझे आज भी याद है, मेरी माँ स्कूल में झाड़ू कटका लगाती थी, खुद भूखी सो जाती थी, मगर मेरा पेट भर देती थी। और मैं अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकता, इसलिए मैंने उसे झूठ बोलना शुरू कर दिया। और मैं क्या करता, उसे यह कह देता कि वो जो सपने देख रही है वो सब बेकार है, फजूल है, ये कह दूं उसको मैं? मैं अपनी माँ को खुश देखना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। और पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी धोखा दे सकता हूँ मैं, किसी को भी धोखा दे सकता हूँ, किसी को भी धोखा दे सकता हूँ मैं, किसी को भी धोखा दे सकता हूँ मैं, किसी को भी धोखा दे सकता हूँ, किसी को भी धोखा दे सकता हूँ। आज अगर तुमने मेरी माँ को सब कुछ सच सच बता दिया होता तो रात से पहले ही मर जाती। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। I'm sorry। तो अब भी उससे नाराज है? देख, तेरे को भी दुख है, इसको भी दुख है, और मेरे को भी एक छोटा सा दुख है। मेरे वडिल ने, बोले तो मेरे बाप ने, बहुत मेहनत करके ये घर और गराज बनाया था। बहुत मेहनत किया था मेरे बाप ने। फिर माँ बीमार पड़ी, उसके पीछे बाप को बहुत कर्जा हो गया, और कर्जा चुकाते चुकाते मेरा बाप मर गया। मेरे को मेरा बाप का इच्छा पूरा करने का है। मरने से पहले मेरे बाप के कर्जे का एक एक रुपया चुका के बार कुर्सी डाल के एक दिन के लिए भी मेरे को गर्दन उठा के बैठने का, ये मेरा सपना है। खुशियां बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम हो जाता है, है ना? है ना? चल आज हम तीनों मिलके अपना दुख बांटे, दुख बांटे। ले यार,
हेलो हेलो कबीरा स्पीकिंग। ओके ओके सही लगा ना बेवकूफ, वो नंबर सही नहीं था। नंबर चेक कर। यस सर। नंबर तो सही था, स्टार फिशरीज का। स्टार 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 फिशरीज, सेम नंबर, तीन टकले 1212। क्या 8881212? ये कौन है यार रात को कबीरा? hey, फोन बंद करने से पहले मेरी बात सुन। हाँ सुनाओ भैया। देवी प्रसाद, तेरी पोती रिंकू मेरे कब्जे में है। बेटे को बोल दूंगा कि उसकी बेटी टिंकू को छुड़ा ले। बस ये बच्चे भी रात को क्या खेलते। क्या हुआ? लगता है साला बुड्ढा सठिया गया है। भैया एक नंबर जाके आता। अरे कभी नहीं खुलती यार। हेलो। ध्यान से सुन और मेरा फोन काटने की हिम्मत नहीं करना, क्योंकि कबीरा कभी मजाक नहीं करता। सुन। दादाजी मुझे बचाओ, दादाजी। बहुया 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 राजू राजू बहु सुने बहुया फोन देखिए ना। कौन कौन है? देखिए ना ये तो किसी के रोने की आवाज है। रिंकू की? रिंकू? हाँ मेरी पोती। ये कह रहे हैं तेरी पोती? पहले मेरी तो शादी होने दीजिए बाबू भैया। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये फोन किसका है? बार बार कह रहा था कबीरा स्पीकिंग, कबीरा स्पीकिंग। ये कबीरा स्पीकिंग मस्त नाम है रे, कबीरा स्पीकिंग। हेलो। क्यों देवी प्रसाद, चक्कर आ गया था क्या? बहुत माल कमाया तूने स्टार फिशरीज में, अब अगर तुझे तेरी बच्ची जिंदा वन पीस में चाहिए तो 10 लाख रुपए तैयार रखना। कबीरा तुझे कल सुबह फिर 10 बजे फोन करेगा। पैसा कब और कहां लाना है मैं तुझे तभी बताऊंगा। और हाँ, पुलिस को खबर करने की या हमें ढूंढने की कोशिश मत करना, नहीं तो तेरी पोती के छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। हेलो 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 हेलो। किसका फोन है, क्या बोल रहे वो? किसी कबीरा नाम के आदमी का। कह रहा था कि स्टार फिशरीज के मालिक देवी प्रसाद की पोती को उसने किडनैप कर लिया, अगर 10 लाख रुपए नहीं दिए तो उस बच्ची को मार देगा। उसके बाप का राज है क्या? लेकिन ये स्टार फिशरीज का नंबर कहां से मिलेगा? ए बाबा बोले तो वो कबीरा को ही फोन करके पूछ लो। चोर को पूछो कि चोरी कहां कर रहा है ना। जा जरा डायरेक्टरी देख। अरे जाने देना रे बाबा, क्यों पंगा लेने का रहे? जान न पहचान फोन का परेशान। अच्छा। जाके सो जाना रे बाबा, इवड़ी रात्रि लग गई। स्टार एंड कंपनी, स्टार टेक्सटाइल, स्टार स्टार फिशरी एंड एक्सपोर्टर्स, 888-1212 888-1212। ए बाबा तू कल जाके अपने चश्मे का नंबर ठीक करा ले। 888-1212 बोले तो स्टार गराड, स्टार गराड बोले तो इधर का नंबर, स्टार गराड का नहीं बाबू भैया, 888-1212 स्टार फिशरीज का नंबर है। आप देखिए ना, करते रे बाबू, देखो देखिए 888-1212 स्टाफ फिशरीज एंड एक्सपोर्टर्स। अरे ये एक ही नंबर का दो लाइन है रे बाबा। अच्छा मेरे को स्टार गराड का नंबर बता दो। ये रहा, स्टाफ फिशरीज के बिल्कुल नीचे है? 262-4545। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अभी मेरे को समझ में आया कि ये फोन साला मेरा खून क्यों इतना चूसा है। हुआ क्या है कि गलती से इसने स्टार फिशरीज के सामने स्टार गराड का नंबर छापा है और स्टार गराड के सामने स्टार फिशरीज का नंबर छापा है। तू मछली वाले को फोन करेगा ना तो इधर गराड में घंटी बजेगा, और इधर गराड में फोन करेगा तो उधर मछली वाले को घंटी बजेगा। तभी साला वो मेरे को फोन करके परेशान करता था कि मछली आ गई मछली। एक काम कर रहे तू दूसरे नंबर पर फोन कर, 262-4545। चलिए चलिए चलिए, उसको सब कुछ बता दे। तुम उससे कहोगे क्या? यही कि उनकी पोती किडनैप हो गई है। ठहरो। क्यों ना हमें खेल खेले? ये राजू, ये इतनी रात को कौन सा खेल खेलेगा? आजू बाजू वाला बुमा बुम करेगा रे। तू कहना क्या चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब हमारे साथ ही क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि ये ईश्वर की चाल है।
कौन ईश्वर? वो राशन की दुकान वाला हलकट बनिया? हाँ, वो बनिया जो ऊपर की दुकान में बैठता है, जो अपने तराजू में सबको सुख दुख तोल तोल के देता है। अगर वो चाहता है कि हम रोडपति से करोड़पति बन जाए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बाबू भैया खेल एकदम सिंपल है लेकिन है मजेदार। देख कबीरा ये समझता है कि हम देवी प्रसाद है। हम देवी प्रसाद को फोन करके कहते हैं कि हम कबीरा और बच्चे हमारे पास है। दाएं हाथ से उससे पैसा ले लेते और बाएं हाथ से कबीरा को पैसा लाकर दे देते और बच्ची ले लेते। एक मिनट, ये एक हाथ से पैसा ले लिया और दूसरे हाथ से पैसा दे दिया। हाँ। तो बीच में हमारे लिए बच्चे का क्या, तंबूरा? अरे यही तो गेम है, यही तो बात है। कबीरा ने जितने पैसे हमसे मांगे उससे दुगने पैसे हम देवी प्रसाद से मांगेंगे, यानी कि डबल। नहीं नहीं बाबू भैया, ये गलत रास्ता है पैसे कमाने का। तो फिर एक काम करो, सही रास्ते से जाके पैसे कमाओ। 35,000 ले लो, खड़क सिंह को जाके दे दो। बेवकूफ बाबू भैया, देखो भगवान ने हमें चुना उस नन्नी सी जान को बचाने के लिए। अगर उसके लिए हमें थोड़े पैसे मिल गए तो इसमें क्या बुराई है? अरे लक्ष्मी हमारे माथे पे तिलक लगा रही है और आप लोग की मुंह धोने की बातें कर रहे हो। बाबा ये बात तो गलत नहीं है, क्या सोचता है, है? शाम फोन कर, फोन कर शाम, बिंदास कर यार, चल कर कर, डायल कर कर। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आप लोगों ने कोई गाना सुना? ए चल ना यार, चुप ना, अभी डायल करना यार सीधा, चल।